हेलो फ्रेंड मैं हूं इमरान और आई ए एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स ये हमारा वकअफ सेक्शन का पार्ट सिक्स है इससे पहले मैंने पांच पार्ट करवा दिए हैं जिसने नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है अपडेट है ऑलरेडी उससे भी इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाए गए हैं आपकी प्रैक्टिस करवाई गई और ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए एस के तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन ईच क्वेश्चन मतलब हमें सेम मीनिंग बताना है सिनोनिम्स बताना है ठीक है पहले क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा प्रोपिशिएट प्रोपिशिएट इसका हमें सिनोनिम बताना है तो सिनोनिम का बताना है इसका सिनोनिम बताना है तो पहले क्या इसका ऑप्शन कन्फर्म और दूसरा अपीज या एपीएस या फिर तीसरा है इन्फ्लुएंस और चौथा है अप्रोच अब इसका ढूंढना शांत करना तो देखिए इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव ठीक है और अप्रोच मतलब हमारी अप्रोच कैसी है ठीक और अपीज मतलब होता है शांत करना तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा एपीज शांत करना ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेरेमोनियल सेरेमोनियल मतलब होता है औपचारिक ठीक है तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं स्नोनी मताना में रिलीजियस रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक ऑफिशियल मतलब होता था है था एक तरह से आधिकारिक ठीक है और पम्पस पम्पस मतलब क्या होता मतलब मतलब है पम्पस मतलब होता है आडम्बर एक तरह से आडम्बर और फॉर्मल यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मल फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक ठीक है हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिटी कर रहे हैं औपचारिकता कर रहे हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है एल्यूड एलियोड मीन्स होता है धोखा देकर निकल जाना ठीक है तो इसका मिसनो नहीं बताना है तो पहला है एलियोर एलियोर मतलब होता है तरह से लालच देना ठीक है ललचाना और डिसी मतलब होता है धोखा देना यहाँ पर धोखा देकर निकल जाना ये देखिए डिसीप देखते ही लोग इसे टिक कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब होता है धोखा देना ये धोखा देकर निकल जाना एलियोर मतलब होता है ललचाना ली मतलब होता है निकल जाना या छोड़ देना लोग इसे देख के ऐसे भी कर सकते हैं नहीं ये भी नहीं एस मतलब होता है भाग जाना भागेंगे कब जब हम लोग बचना या भाग जाना यानी कि जब लोग कुछ ऐसा काम करेंगे धोखा वगैरह देंगे तभी तो भागेंगे इसका ये बिल्कुल सटीक आंसर आ सकता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं प्रीमोनिशन प्री मोनिशन ठीक है इसका मतलब होता है चेतावनी यानी कि पूर्व सूचना तो इनसाइट इनसाइट मतलब क्या होता है हमारी दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि की तरह से कह सकते हैं अनसर्टनली मतलब होता है क्या एक तरह से बोल सकते हैं अनिश्चित है कोई चीज़ ठीक है स्कोप स्कोप मतलब क्या होता है सीमा है या फिर बोल सकते हैं विस्तार स्कोप कितना है उसका ठीक है और इसका है पूर्व सूचना यानी कि चेतावनी तो ये क्या है प्रीमॉनिशन मतलब होता है पूर्व चेतावनी तो इसका हो जाएगा फॉरमार्मिंग फॉरमार्मिंग मतलब यही होता है पहले से ही मैंने पूर्व सूचना दी जाती है वही है पूर्व सूचना दी जाती है ठीक है यही है इसका मतलब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट मेरा है डेरोगेटरी डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक क्या मीन्स होता है इसका अपमानजनक अब इसका मैं सिनोनिम ढूंढ रहा है तो सिनोनिम देखते हैं पहला है इसका इंजुरीअस इंजरीस चोटे लोटे लोग हैं इंजरी हुई है ठीक है शटरिंग शटरिंग मतलब होता है चूर चूर हो जाना बिखर जाना ठीक है डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है हानिकारक हमारे लिए हानिकारक है खतरनाक है ठीक है और डिस्पैरेजिंग डिस्पैरजिंग डिस्पैरजिंग मतलब क्या होता है अपमानजनक यही है इसका डिस्पैरजिंग मतलब ही क्या होता है अपमानजनक नेक्स्ट नोमैडिक नोमैटिक मतलब क्या होता है खाना बदोश फाइटिंग यह तो नहीं होगा लड़ना रियर मतलब होता है दुर्लभ ये भी नहीं होगा स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब ये तो खाना बदोश खाना बदोश अजीब से कोई मतलब ही नहीं क्या है वॉन्ड्रिंग वांड्रिंग मतलब होता नहीं घूमते फिरते रहते हैं यानी कि खाना बदोश ठीक है नेक्स्ट रेस्टिव रेस्टिव मतलब होता है बेचैन या फिर हटी जिद्दी टाइप का नहीं और इसका मैं सुना ढूंढना है रेस्टेड मतलब ये तो आराम कर रहा है लिमिटेड इसकी कोई एक सीमा है लिमिटलेस इसकी कोई सीमा नहीं है लेकिन ये क्या बेचैन है हटी जिद्दी यानी कि रेस्टलेस है जो आराम नहीं करना चाहता ठीक है जो बेचैन है जिद्दी लोग कैसे आराम नहीं करते ऐसे याद कर सकते हैं आप नेक्स्ट है इसका एरनियसली एरनियसली मतलब तो गलती से एरर एर शेयर कर सकते हो एरनियसली एरनियसली मतलब तो गलती से तो क्या ऑप्शन है प्रीवियसली यानी कि पहले ये तो नहीं होगा रॉन्गली मतलब होता है गलती एविडेंटली मतलब क्या होता है एविडेंटली मतलब एक तरह से बोल सकते हैं स्पष्ट रूप से ठीक है और इफेक्टिवली मतलब क्या होता है एक तरह से बोल सकते हैं कि असल में या फिर नहीं हैं है, असल में ऐसा हुआ इफेक्टिवली ठीक है प्रभावशाली एक तरह से बोल सकते हैं और इसका क्या हो जाएगा गलती गलती क्या हो जाएगा रॉन्गली ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रेंच स्ट्रेंग स्ट्रेंगली बोल सकते हैं ठीक है थीके? इसका अलग रहे विरक्त जलस मतलब जलना ये तो नहीं होगा इसका एंग्री मतलब होता गुस्सा होना ये भी नहीं होगा ठीक है और क्या आ गया इसका सस्पीशियस मतलब एक तरह से बोल सकते हैं संदेह जिसमें शक हो ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा सेपरेटेड विरक्त रहता है क्या रहता है सेपरेटेड अलग रहता है ठीक है देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा बाट है कैपिचुलेट कैपिचुलेट मतलब होता झुकना हार मानना ठीक है रिपीट मतलब दोबारा होना ये तो नहीं होगा एग्जीक्यूट मतलब किसी को मार डालना एक तरह से हत्या करना ठीक है और समराइज मतलब क्या संक्षेप में कोई बात संक्षेप ठीक है तो इससे capitulate कर, है है, है, है? Next. Next, क्या है कैपिचुलेट जो मतलब झुकना होता है यार हार स्वीकार करना यानी हार मान लेना यानी कि सरेंडर कर देना ठीक है इसका ऑप्शन ये हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग यानी कि हमें एंटोनियम ढूंढना है ठीक है तो पहला वर्ड हमारा सबलाइम सबलाइम मतलब होता है उत्कृष्ट कुछ चीज़ बहुत उत्कृष्ट है ठीक है इसका पहला ऑप्शन है एम्यूजिंग एम्यूजिंग मतलब क्या होता है दिलचस्प ये भी एक तरह से उसका सिनोनियम हो गया हिलेरियस हिलेरियस मतलब क्या होता है बोल सकते हैं हास्यप्रद नहीं कोई मजाकिया टाइप का ठीक है हास्य और

तो इसका अपोजिट ढूंढना है सिमिलरिटी मतलब तो समानता ये तो नहीं होगा क्लैरिटी मतलब होता है एक तरह से साफ सुथरी चीज़ ठीक इक्वलिटी मतलब होता है ये भी समानता ही होता है और ये है सनक सनक यानी कि पागल टाइप का नॉर्मालिस मतलब होता है नॉर्मल इंसान ठीक है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा नेक्स्ट सर्वाइवर मतलब क्या होता है जीवन सर्वाइवर मतलब होता है जीवन ठीक है तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका एवोल्यूशन 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 मतलब क्या हो जाएगा जैसे एवोल्यूट करना किसी चीज को ठीक है डेवलपमेंट मतलब होता है ग्रोथ होना क्रिएशन मतलब होता है कोई चीज़ क्रिएट करना एवोल्यूशन एक तरह से बोलता है क्रांति टाइप का ठीक है एवोल्यूशन और ये क्या इसका यार जीवन देना इसका क्या हो जाएगा यानी कि ये उत्पत्ति हो रही है और यहां पर हम लोग हो रहे हैं विलुप्त एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त हो जाना कोई चीज़ ठीक है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा ठीक है हम यहाँ पर सर्वाइव अगर नहीं कर पाएंगे जैसे कि हमारे डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाते वो क्या विलुप्त हो गए एक्सटिंक्ट हो गए ठीक है नेक्स्ट इंसर्ट इंसर्ट मतलब क्या होता है अंदर डालना इंसर्ट ठीक है तो पहला ऑप्शन है इसका डिपेक्ट डिपिक्ट मतलब क्या होता है एक तरह बोल सकते हैं दर्शाना है किसी चीज को ठीक है और डीफेम मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जिसका फेम नहीं हो रही डिफेम करना किसी को बदनाम करना स मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को और हमें तो उसका अपोजिट ढूंढना है अंदर डालने का बढ़ाना तो नहीं होगा ना ही बदनाम करना होगा ना डिपेक्ट मतलब दर्शाना होगा तो क्या होगा एक्सट्रैक्ट मतलब यहां पर अंदर डालना है यहां पर कोई चीज खींच रहे एक्सट्रैक्ट मतलब नहीं खींच लेना किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेना ठीक है नेक्स्ट इनकॉस इनकॉन्ग्रेस मतलब होता है असंगत असंगत ठीक है तो पहला ऑप्शन है इसका कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब नहीं जैसे झगड़े की जड़

पागल ये हो रही है, ये ये हुए। तो अच्छे से आप पढ़िए सभी तो सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है एक तरह से नाजुक बोल सकते हैं सेंशूर, सेंशूर मतलब होता से कामुक मतलब यही होता है कामुक अब ये है इसका पागल पागल का अपोजिट क्या हो जाएगा जो सेंसिबल है समझदार है ठीक है तो यही हो जाएगा मतलब क्या होता है जो बिना तैयारी के किसी नहीं एकदम तो से अचानक से कोई बात हो जाए बिना तैयारी के चले या कहीं प्रॉम्प्ट तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं तो पहला ऑप्शन है इसका प्रॉम्प्ट प्रौंक। प्रॉम्प्ट मतलब होता है उकसाना ठीक है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसका फोर्स मतलब जबरदस्ती करना और प्री मेडिटेट मतलब होता है मतलब पहले से ही नियोजित करना मतलब पहले से तैयारी करके आना और इनऑर्डिनेट इनऑर्डिनेट मतलब होता है असमान्य कोई चीज़ असमान्य तो हमें तो इसका बिना तैयारी का अपोजिट चाहिए यानी कि क्या हो जाएगा प्री मेडिटेट प्री मेडिटेटेड मतलब इसका हम तैयारी कर कर आए हैं ठीक है एकदम से नियोजित नेक्स्ट सकते हैं हॉस्टाइल हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण ठीक है तो फ्रेंडली तो मतलब हो जाएगा कॉस्ट्यूम मतलब महंगा अनफेयर मतलब जो फेयर नहीं है सटर मतलब अचानक तो शत्रुता जिससे शत्रुता होगी उसका अपोजिट क्या हो फ्रेंडली ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ब्रिड ब्रिड मतलब होता चौड़ाई 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 का अपोजिट क्या हो जाएगा लाइटनेस मतलब हल्का शॉर्टनेस मतलब छोटा थिकनेस मतलब मोटा नैरोनेस मतलब पतला ठीक है चौड़ाई मोटा ये हो जाएगा चौड़ाई का अपोजिट नैरोनेस नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हमारा टिमोरस टिमोरस मतलब ये मतलब डरपोंक तो उसका मैं अपोजिट ढूंढना है ट्रैमिंग ट्रैम मतलब जो कांपता है कां पर आए ठीक है ब्राइट मतलब चमकदार और कावाडली मतलब डरपों को होता है ये तो होगा नहीं तो स्न नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा डरपों का हो जाएगा बोल्ड बहादुर है ठीक है नेक्स्ट 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 देखते हैं। हमारा हमारा है। है? क्वेश्चन क्या चूज वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन ईच क्वेश्चन मतलब हमें सेम मीनिंग ढूंढना है, है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एवराइस एवराइस लालच देना ठीक है तो जनरसिटी जनरोसिटी मतलब होता है उदारता ये तो नहीं होगा और एन वाई एन वाई मतलब होता है ईर्ष्या का ना से जलना हेटर मतलब होता है नफरत करना और ये है लालच तो लालच का अपोजिट क्या हो जाएगा वो लालच का अपोजिट नहीं है सेम यानी कि ए, सिनोनिम क्या हो जाएगा ग्रीड ग्रीड मतलब यह होता है लालची ठीक है लालच तो ये इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड ऑगस्ट ऑगस्ट एक महीने के भी नाम होता है लेकिन इसका मतलब क्या होता है महान या फिर बड़ा गरिमा में तो मजेस्टिक पहला ऑप्शन है मैजेस्टिक मजेस्टिक मतलब होता है शानदार या फिर आलीशान ठीक है इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है जो काफ़ी ठीक है और इसके बाद क्या है इसका होता डिफिकल्ट डिफिकल्ट मतलब क्या होता है जो कठिन है काफ़ी काफ़ी टफ है जो काफ़ी कठिन है ठीक है और नेक्स्ट है इसका यूज्यू मतलब काफ़ी बड़ा तो देखिए बड़ा है या फिर महान है ये बड़े के सेंस में ना देखिए महान के सेंस में लीजिए काफ़ी शानदार है ठीक है तो क्या हैं, मेजेस्टिक डेसीमेटेड में मतलब होता नष्ट करना बर्बाद कर देना नाश किया कम किया नष्ट कर दिया बर्बाद दिया नाश किया कम किया कुछ भी डेसीमेटेड तो पहला ऑप्शन है इसका डिनाउंस्ड, डिनाउंस्ड मतलब क्या होता है डिनाउंस्ड मतलब होता है आरोप लगाना आरोप लगाना ठीक है सक्सेस में मतलब होता सक्सेस हो जाना डिप्रेस मतलब होता हमने एक तरह से उसमें आ गए हैं बोल सकते हैं परेशान है काफ़ी अवसाद में अवसाद में है परेशान है तो डिस्ट्रॉय मतलब होता है एक नहीं बात कर देना है तो यही तो ऑप्शन है हमारा इसका इसका क्या हो जाएगा डेस्टमेटर क्या हो जाएगा बर्बाद करने का ये हो जाएगा डिस्ट्रॉय ठीक है नेक्स्ट हार्डल हार्डल मतलब बाधा तो देखिए हार्ट मतलब बाधा होता है बैन मतलब, मतलब, है, मतलब होता है आपको मतलब कि बैन कर दिया प्रतिबंधित रिले मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं प्रसार करना प्रसारित हेज हेज मतलब होता है बाड़ा या फिर मेड़ नहीं हम लोग जैसे कि मेड़ बना लेते हैं खेतों के चारों बाड़ा बना लेते हैं जान बना जाए और इसका ऑप्स्टिकल ऑप्स्टिकल मतलब क्या होता है बाधा होता है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्स्टिकल हार्डल मतलब बाधा ऑप्स्टिकल मतलब भी बाधा होता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं रेयर रेयर मतलब होता है दुर्लभ बताया था भैया को रे मतलब दुर्लभ अब कॉमन तो कॉमन सी चीज़ होगी ये तो दुर्लभ नहीं हुई ठीक है स्कार्स और फ्यू फ्यू मतलब होता है कम ये भी कुछ खास मतलब नहीं कम का मतलब कुछ नहीं हुआ ठीक है और यूजुअल ये तो नॉर्मल हुआ तो स्कार्स स्कार मतलब भी क्या होता है जो काफ़ी दुर्लभ को चीज ठीक है स्कॉस यही इसका आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड ये हमारे ये पार्ट कंप्लीट हो गया है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जैसे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद